हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। आज हम कुछ ऑफिशियल काम से कोच्ची जा रहे हैं और आपको इस ब्लॉग में दिखाएंगे कोच्ची सिटी कैसा। अगर टाइम मिलता है तो हम घूमेंगे वहाँ पे और आपको जरूर दिखाएंगे। रहा हमारा बैग पैक हो चुका है, हम निकलने के लिए रेडी। और ये नितेश ऑटो ढूंढते हुए, उबर ओला कुछ भी कनेक्ट नहीं हो रहा। जब काफ़ी ट्राई करने के बाद हमें ना ऑटो मिलता है ना कैब, तब हमारा फ्रेंड हमारी मदद को आता है और हमें रेलवे स्टेशन ड्रॉप कर देता है। हमारी ट्रेन जर्नी स्टार्ट होती है कोचुवेली रेलवे स्टेशन से, जो कि हमारे यहाँ से सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन। और हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं, जर्नी स्टार्ट होने वाला है 3:30। कोचुवेली से एर्नाकुलम 4 घंटे की जर्नी है और इन 4 घंटों में हमने केरला का ग्रीनरी, लैंडस्केप और बैक वाटर्स का भरपूर मज़ा लिया। ये 4 घंटे कैसे बीत गए हमें बिल्कुल नहीं पता चला और हम पहुंचने वाले हैं कोची। कोची में 2 रेलवे स्टेशन है, एर्नाकुलम जंक्शन और एर्नाकुलम टाउन। सो गाइस, हमारा होटल आ चुका है, जा रहे हैं चेक इन करने। और ये रूम टूर, ये रहा हमारा रूम, बेसिक सेटअप बिल्कुल, क्योंकि हम बस एक रात रुकने वाले हैं। अच्छा है, पहुँचे हैं मेट्रो और यहाँ से हम लोग कोची सिटी एक्सप्लोर करने के लिए निकल रहे हैं। एर्नाकुलम साउथ में, यहाँ से जाएंगे महाराजा कॉलेज, वहाँ से हम लोग प्लान है कि हम लोग बोट पकड़ के जाएंगे फोर्ट कोची, फेरी पकड़ के। ₹10 लगा है यहाँ से, बल्कि नेक्स्ट स्टॉप है, हार्डली 2 मिनट्स लगेगा हम लोग। गाइज, ये है टिकट, ₹10 का है। आपने दिल्ली में देखा होगा वो टोकन सिस्टम होता है और यहाँ पे ऐसे ये QR कोड होता है जो आपको स्कैन करना होता है। तो यहाँ का मेट्रो जो है काफ़ी छोटा है, अराउंड 22 किलोमीटर का नेटवर्क है। अभी सारा फेज कम्प्लीट नहीं हुआ है, तो बेसिकली अभी एक जाता है टूवर्ड्स अलुवा और एक कुछ SN जंक्शन, और हम लोग टूवर्ड्स अलुवा जाएंगे, देखते हैं कैसा रहता है राइड। और गाइस, ये है यहाँ का मेट्रो। कॉलेज मेट्रो स्टेशन से एर्नाकुलम बोट जेटी काफ़ी करीब है, जो कि बाई वॉक हमें बस 4 मिनट लगता है। और ये हम पहुंच गए एर्नाकुलम बोट जेटी, यहाँ से हम जेटी पकड़ के फोर्ट कोची जाएंगे। और ये बिल्कुल गवर्नमेंट वाला है, सो प्राइसेस बहुत ही लो है और एक यूनिक तरीका है एक्सप्लोर करने का, क्योंकि कोची में बहुत सारे आइलैंड्स हैं, तो उसके लिए ये बेस्ट होगा। Oh, 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 oh
में फेरी पकड़ के कोची सिटी एक्सप्लोर करने का एक्सपीरियंस ही अलग है और आप इसे बिल्कुल मिस नहीं करना चाहेंगे। और गेस करो कितने रुपए लगे दो लोगों का? सिर्फ 12 रुपए। हेरिटेज में या रूम्स रेस्टोरेंट बैंकेट हॉल सब है यहाँ पर। हम लोग चाय पीने वाले हैं। काफी मस्त है ये, देखने में काफी सुंदर है। मोनिका अभी ही थक चुकी है एज ऑलवेज। बहुत गर्मी है, धूप है, इसलिए हेडेक हो रहा होगा। धूप हर जगह होता है, धूप कहाँ नहीं होता है। बट आप लोग को पता है केरला का गर्मी कैसा होता है? ऐसा कुछ नहीं है, टेम्परेचर अराउंड 28 डिग्री होगा, प्लेजेंट होगा, ह्यूमिडिटी बहुत है, ब्रीज है। हाँ, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा। तो हम लोग यहाँ कॉफ़ी पियेंगे और फिर एक्सप्लोर करेंगे यहाँ इस आइलैंड को। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। फ्रेंड्स कैफे नो है, ये फ्रेंच क्यूज़ीन के लिए बहुत फेमस है, यहाँ आप आते हो तो यहाँ ज़रूर खाएंगे। ये है पेपर हाउस कैफ़े, यहाँ काफ़ी मूवी का शूटिंग, अगर आप शायद प्रेमम मूवी का भी शूटिंग यहीं हुआ है। ये है होटल सीगल, काफ़ी फेमस है यहाँ सी फूड और ये सब के लिए, आप ट्राई कर सकते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं जियो टाउन, कोची की पतली पतली गलियों से निकल के। इधर आयुर्वेदिक मसाज और ये सब का आयुर्वेदिक स्पा, इधर अंदर। एर्नाकुलम में संडे के दिन ऐसे ही मिलेंगे, सड़क खाली खाली, सब चल करते, आज रेस्ट करने का दिन है। बट बहुत ह्यूमिडिटी, गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। गाइज आप देख सकते हो फुटबॉल की फैन फॉलोइंग, जैसा आपको मालूम है केरला में बहुत ज़्यादा है। यहाँ स्ट्रीट्स बिल्कुल सजा के रखे हैं सारे अपने फेवरेट टीम्स के पोस्टर्स, होर्डिंग्स, और शायद ही इंडिया में वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट छोड़ के कहीं और आपको नहीं देखेगा ऐसा फैन फॉलोइंग फुटबॉल के लिए। देख सकते हो मेसी। मोनिका शॉपिंग करते हुए, मैंने क्या कहा था, मैं दिखाती हूँ 200 में। गर्मी है तो मैंने बोला नितेश को सोडा पिलाओ भाई। This is the Dutch Palace of Kochi. Kochi में explore करने को काफी कुछ है।
ये है डच पैलेस, जिसको मटन चेरी पैलेस भी बोलते हैं। एंट्री फी 5 रुपये। यहाँ टिकट लेना होता है, ये टिकट काउंटर है। ये स्पाइस मार्केट है, एज यू ऑल नो केरला इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स स्पाइस। ये यहाँ का जू टाउन है, यहाँ पे आर्ट, एंटिक्स, क्राफ्ट, स्पाइसेस, ये सब के मार्केट मिलेंगे आपको। जैसे ही आप जू स्ट्रीट घुसते हो, वहाँ का वाइब ही टोटली डिफरेंट है। आपको इतने सारे आर्टिफैक्ट्स के शॉप दिखेंगे कि क्या बताऊं। ज्यू स्ट्रीट एक्सप्लोर करते हुए हम पहुंच जाते हैं हेलिगो हाउस, जो कि एक अबैंडन ज्यूइश फैमिली का घर है। अब वो ज्यूइश फैमिली तो यहाँ रही नहीं, उनके काफ़ी पोर्ट्रेट्स, पिक्चर्स हैं इस घर में, और इसे एज एन आर्ट गैलरी यूज़ किया जा रहा है। ज्यू स्ट्रीट एक्सप्लोर करते हुए हम पहुंच जाते हैं यहाँ का मेन अट्रैक्शन कोचिन सिनेनॉग, जो कि अराउंड 500 ईयर्स पुराना, ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज में सबसे पुराना ज्यू सिनेनॉग है। और यहाँ पे लगे पेंटिंग से हमें पता चलता है कि कैसे ज्यू पहली बार केरला आए थे और यहाँ के राजा ने कैसे उन्हें वेलकम किया था और ज़मीन दी थी रहने के लिए। ये है सिनेनॉग का मेन प्रेयर हॉल। ज्यू टाउन से वापस अभी होटल जा रहे हैं, होटल में लगेज लेंगे एंड देन वापस ट्रेन पकड़ के ट्रिवेंडर। काफ़ी मज़ा है यहाँ पे, बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा। और इसी के साथ हमारा वीडियो एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।